जिले के प्रशिक्षु डीएसपी प्रभात रंजन जी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि मधुबनी के आगे चुनापुर रोड के पास लगभग 100 से अधिक बंजारे लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। ये बंजारी खिलौना या करतब दिखाकर अपना पेट पालते थे, मगर लॉकडाउन की वजह से इनका काम ठप पड़ा हुआ है। इनके पास अब खाने के लिए राशन भी नहीं है, जिसके बाद प्रशिक्षु डीएसपी प्रभात रंजन जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिचितों से मदद मांगी, जिनके बाद इन बंजारों के पास 3 बोरी चावल, आटा, आलू, प्याज, तेल तथा 1 बोरा मुढ़ी मुहैया कराया गया। स्थानीय छात्र छात्राओं के सहयोग से सभी को राशन मुहैया कराया गया। राशन पाकर सभी ने प्रशिक्षु डीएसपी का शुक्रिया अदा किया। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। कल फेसबुक के माध्यम से हमें पता चला कि मध्य प्रदेश के कुछ बंजारे, लगभग 100 के करीब बंजारे मेहता चौक के पास मधुबनी में फंसे हुए हैं। तो कल मैं दौरा किया और उसे देखा कि क्या ज़रूरत है। आज फिर सोशल मीडिया के द्वारा मैंने कलेक्ट किया और लगभग 100 केजी राशन और सब्जी वगैरह बांटा। आगे तो और क्या आप लोग करना चाहते हैं? अभी तो ये फर्स्ट डे था, इसलिए अभी तो कम ही मात्रा में हुआ। हम लोग आगे भी देखते रहेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है। कुछ तेल वगैरह की मांग की है, शैम्पू वगैरह की, वो भी जुटाएंगे। ये लोग लगभग 100 के आसपास बंजारे कम्युनिटी के हैं, आदिवासी अपने को बोलते हैं, मध्य प्रदेश के हैं। तो एक जगह हम बिरबल नाम का एक लड़का है जो कि वहाँ का मेट है, उनको दे दिया और सबसे पूछ भी लिया कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, सबको बराबर बांट देगा। मैं प्रशिक्षु पुलिस उपाध्यक्ष सदर पूर्णिया। मेरा मनसा था कि जो लोग को, हम लोग तो घर में अच्छे से खा पी रहे हैं और हमारा, हम पर जो प्रभाव पड़ा है इस कर्फ्यू का, तो हम पर जो प्रभाव पड़ा है वो ज़्यादा असरदार नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को खाना पीना नहीं मिल पा रहा है और जो बंजारे लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जंगलों के बीच में बैठे हुए हैं, उनको लाइट की कोई सुविधा नहीं, पानी का इतना टेंशन, वो लोग कैसे जी रहे हैं। और उनके अंदर जो है ना एक आत्म निर्भरता भी मतलब वो जो छोटी मोटी व्यापार करके काम कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ और मैंने कुछ किया। उनको मेरे अंदर बहुत अभी अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है किसी के लिए। अपना परिचय? मेरा नाम मोना रॉय है, मैं चांदपुर से हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आगे इस तरह आप लोग और? बिल्कुल, मेरा जो भविष्य है, मैंने जो भविष्य देखा है अपने लिए और डिफेंस में जाने का, तो अगर मैं ये सोच हमेशा रखना चाहती हूँ, मैं ये सोच हमेशा रखना चाहती हूँ और आगे जा कर के भी मैं ऐसा ही बहुत कुछ करना चाहती हूँ। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।